हेलो दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ईपी प्रयागराज में। और अभी हम रीजनिंग के सीरीज़ को पढ़ रहे हैं और इस क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जहां से आम तौर पे जो भी परीक्षा होते हैं जहां पे रीजनिंग का पार्ट पूछा जाता है वहां एक से लेके दो प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से पूछ लिया जाता है। बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग को समझने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानें, क्योंकि एक हर आपको अभी तक पता है कि हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो हैं वो 26 होते हैं और 26 अल्फ़ाबेट का एक क्रम होता है। जैसे ए का क्रम एक है, बी का क्रम बी है दो है, सी का क्रम तीन है, इसी तरह हर एक अल्फ़ाबेट का एक क्रम होता है। तो यहाँ से हम पूरे सारे क्रम अल्फ़ाबेट के क्रम को याद करने का तो नहीं प्रयास करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स के क्रम आपको याद हो जाए ताकि जब हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न की चर्चा करें तो आपको उसमें ज़्यादा दिक्कतें ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्रम को याद करने के लिए हमें एक वर्ड याद रखना होगा जिसको कहते हैं इजॉयटी, ई जे ओ टी वाई। तो देखिए इसका क्रम क्या है, ई का है 5, जे का है 10, ओ का है 15, टी का है 20 और वाई का 25। तो ये 5-5 का एक डिफरेंस हमने मेंटेन कर दिया है और इसे हम कहते हैं इजॉयटी। तो देखिए अब ये 5 आपको अल्फ़ाबेट जो हैं वो बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, इजॉयटी अगर आपने याद रख लिया तो। इजॉयटी से 5, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, ये याद हो गया। अब देखिए इसी आधार पे कुछ और भी संख्याएँ मतलब अल्फ़ाबेट्स हैं जिस पर मैंने कुछ कोड बनाने की का प्रयास किया है या ये प्रयास किया है कि आपको वो आसानी से समझा सकूँ। तो उसी क्रम में देखिए एक F है, अगर हम F की बात करें तो अगर F को हम इधर लिख लेते हैं, F को अगर हम इन्वर्स करते हैं या उल्टा करते हैं तो इस तरह कुछ आ जाएगा F, और एक अगर डंडी करते हैं तो ये 6 बन जाएगा। तो F को देखते ही हम 6 याद रख सकते हैं। उसी तरह I को 9 के तौर पर भी हम देख सकते हैं, I है यहाँ से 2 उठा लिया हमने, ये कर दिया और ये 9 हो गया, ठीक है। तो I को 9 के तौर पे देख सकते हैं, H को 8 के तौर पे देख सकते हैं। और अब देखिए जैसे अगर आपने F को 6 के तौर पे देखा तो F को ही अगर हम एक डंडा और कर देते हैं यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये P हो जाता है, तो P को हम 16 के तौर पे देखेंगे। इसी तरह H को आपने किसके तौर पे देखा, 8 के तौर पे देखा, तो R को हम 18 याद रखेंगे, H 8 और R भी कुछ वैसे ही दिख रहा है उसे हम 18 के तौर पे याद रखेंगे। M को 13 और M का इन्वर्स क्या होता है या M का उल्टा क्या होता है, M का उल्टा होता है W, तो W को 23, ठीक है। तो इस तरह हम कुछ याद कर सकते हैं। जैसे K है तो K को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसमें देखिए 2 डंडे निकलते हैं, इन्हें हमने अलग कर लिया और इसे बाद में हमने 11 बना दिया, V को 22। तो इस तरह से कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं उसको और भी याद कर सकते हैं, जैसे K को 11, V को 22, I को 9, ठीक है, उसके बाद R को 16, H को 8, नहीं P को 16, H को 8, R को 18, M को 13 और W को 23 के तौर पे हम अगर अभ्यास करेंगे निरंतर, इस पर कई प्रश्न लगाएंगे तो ये चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली याद होने लगेगी। तो इससे आप अब आइए प्रश्न पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ 2 प्रश्न हैं, ये प्रश्न जो है ये टाइप 1 के प्रश्न हैं या एक प्रकार के प्रश्न हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो वो कई टाइप में होते हैं तो मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादातर टाइप यहाँ पर डिस्कस कर लूँ ताकि जब आपको पेपर में इस तरह के प्रश्न मिले तो आपका अप्रोच बहुत ज़्यादा क्लियर हो और आप आसानी से इन प्रश्नों पे अटेम्प्ट कर सकें। तो देखिए एक प्रश्न आएगा कि अगर किसी भाषा में किसी कोड में टेम्पल को लिखा गया है VCONCC तो उसी भाषा में चर्च को क्या लिखा जाएगा, चर्च का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो टेम्पल को कोड किया गया है उसमें क्या रिलेशन है। तो पहले हमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है इन दोनों में, तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे टेम्पल, ठीक है, VCONCC,
ठीक है, तो एक ऐसा कुछ रिलेशन दे रखा है। अब हमें देखना है कि किस तरह से मतलब क्या क्या सीरीज़ फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए टी का सबका संख्या लिख देते हैं। टी का मतलब मैंने बताया था 20, वी का मैंने बताया था 22, ठीक है, ई का बताया था 5, सी का 3 होगा, एम का होगा 13, ओ का होगा 15, पी का 16, एन का एन देख सकते हैं आप, एन होगा 14, ठीक है। तो देखिए एक रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है +2 और 5 में 3 गया तो -2, फिर इसी तरह 13 में +2 और फिर यहाँ पे -2। तो ये एक रिलेशन जो है हमने फाइंड आउट कर लिया कि इन ये सीरीज़ में क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है या किस तरह से ये कोड किया गया है। तो उसी तरह हमें चर्च के बारे में बताना है कि चर्च को किस तरह से हम कोड कर सकते हैं। तो देखिए लिख देते हैं CHURCH। तो पहले तो हम C में +2 करेंगे तो ये E हो जाएगा, H में -2 करेंगे F हो जाएगा, U में +2 करेंगे तो ये हो जाएगा W, और यहाँ -2, फिर R में -2 करेंगे तो R जो है -2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा P, R का 18 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा P 16, C 3 होता है तो 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, H 8 होता है 8 में 2 जोड़ेंगे तो नहीं 8 में 2 कम करेंगे तो यहाँ पे F आ जाएगा। तो इसका जो कोड हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा EFWP5F, राइट डाउन कर लीजिए इसे। तो इस तरह देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। देखिए इस पीपल लिखा हुआ है, ठीक है, और पीपल का कोड दिया हुआ है UZTKQZ, और कंट्री का कोड दिया हुआ है, कंट्री को हमें फाइंड आउट करना है कि अगर इस पीपल का कोड ये है तो कंट्री का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आइए पीपल का देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं पीपल, PEOPLE। अब देखिए नंबर याद होने से आपको ये देखना नहीं पड़ेगा, मैंने लिखा जरूर है लेकिन अगर आपको नंबर याद है तो बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो पीपल का मैंने पी का बताया था 16, ठीक है, ई का बताया था 5, ओ का बताया था 15, पी का बताया 16, और के बाद एल है, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। तो के का 11, तो एल का 12 और ई का 5, ठीक है। इसका कोड क्या दे रखा है, इसका दे रखा है UZTKQ और यहाँ पे देखिए P का हो गया 21, ठीक है, Z का E का हो गया Z मतलब 26, ठीक है, टोटल 26 है तो यहाँ हो गया -5, यहाँ हो गया +5। अब यहाँ देख लेते हैं T का 20 हो जाएगा तो यहाँ हो गया +5, ठीक है, पी का पी 16 है और के 11 है तो यहाँ हो गया -5। तो एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, +5 -5 +5 -5, एक रिलेशन हमने एस्टेब्लिश कर दिया जैसे ऊपर वाले में +2 वाला था उसी तरह। अब कंट्री का क्या होगा, सी में +5 कर देंगे तो सी का मतलब होता है 3 और इसमें +5 करेंगे 8 होगा, 8 का मतलब H, O का क्या होगा, O में -5, ठीक है, तो O का J हो जाएगा, ठीक है, O अगर 15 है तो 10 क्या होगा, J हो जाएगा। U का कर लेते हैं, U का 21 होता है तो U का क्या हो जाएगा, U का P हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ये रिलेशन जो है हमने एस्टेब्लिश कर लिया, +5 -5, इसी तरह हम कंट्री का फाइनल कोड निकाल देंगे और जो फाइनल कोड होगा वो ये हो जाएगा HJZIYWJ। तो फाइनली आप सॉल्व कर लेंगे जब इस तरह, तो आंसर आ जाएगा आपका ये। आइए अब जल्दी से टाइप 2 की बात कर लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। तो आइए देखते हैं टाइप 2 का प्रश्न, यहाँ पे क्या है, लेटर टू लेटर कोडिंग की हम बात करेंगे कि लेटर से लेटर को कोड कैसे करें। तो देखिए जैसा पहला प्रश्न दे रखा है, रैंडम किसी कूट में अगर इसको कोड किया गया है तो ये कोड किया गया है IZMWLNV,
तो स्कूल को किस तरह से कोट करेंगे, ये हमारा प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं रैंडम, आर ए एन डी ओ एम ई, ठीक है। और नीचे इसका जो कोड है वो लिख लेते हैं ताकि रिलेशन को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। इसका लिख लेंगे आई जेड एम डब्लू एल एन वी, ठीक है। तो हमने ये दोनों लिख दिया और इनकी नंबरिंग लिख देते हैं ताकि हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाएँ। तो R का हमने बताया था कि R का 18 होगा, A का 1 होगा, N का 14, D का 4, O का 15, M का 13 और E का 5। इसी तरह I का 9, Z का 26, M का 13, W का इन्वर्स है तो 23। फिर यहाँ L का क्या हो जाएगा, K L K अगर 11 है तो L हो जाएगा 22, नहीं L हो जाएगा 12। N का क्या हो जाएगा, N हो जाएगा आपका 14। और V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा 22। तो हमने ये दोनों संख्या लिख दी। अब देखिए, ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं दिख रहा है जैसे प्लस वन माइनस वाला था, या कुछ 18 9 1 26 14 13, तो इस तरह का कोई भी रिलेशन हम डायरेक्टली नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। तो अब ज़रूरी है कि हम लेटर टू लेटर कोट की बात करें। तो देखते हैं क्या इसका पहला लेटर और इसके में क्या रिलेशन बन रहा है। तो चलिए इसको सम करके देखते हैं। 18 में अगर 9 जोड़ते हैं तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 27। अगर 1 में 26 करते हैं ऐड तो 27, 14 में 13 ऐड करते हैं तो 27, 4 में 23 करते हैं तो 27। तो एक हमने रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया कि अगर मैं पहले डिजिट को मतलब इसके जो कोड से जोड़ रहा हूँ तो 27 हो रहा है, इसको इसके कोड से जोड़ रहा हूँ तो 27 हो रहा है। तो उसी तरह अगर मैं स्कूल का निकालूंगा और इसको उसके कोड के साथ इसको जोड़ूंगा तो जो हमारा टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए 27। तो आइए अब ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये टाइप टू है, इसे लेटर टू लेटर कोड क्या करते हैं। तो आइए देख लेते हैं स्कूल को कैसे करेंगे। एस सी एच ओ ओ एल, ठीक है। तो एस का क्या होगा, एस का हो जाएगा 19, सी का 3, एच का 8, ओ का 15 और एल का KL 12। तो ठीक है, 27 चाहिए तो 19 में क्या जोड़ें जो 27 हो जाए। तो 19 में हम जोड़ते हैं 7 1 8 जोड़ देते हैं तो H हो जाएगा यहाँ पे। 8 किसका कोड होता है, H का होता है। फिर 3 में क्या जोड़ें जो 27 हो जाए, तो 3 में हमें जोड़ना होगा 24, ठीक है। तो 24 जोड़ना होगा तो 24 लिख देते हैं। 24 का क्या कोड होता है, X होता है, ठीक है। H में क्या जोड़ा जाए कि 8 में क्या जोड़ा जाए कि 27 हो जाए, तो 8 में हम अगर 19 जोड़ देते हैं तो 19 का कोड क्या होता है, 19 का कोड होता है S, ठीक है। O 15 है तो 15 में क्या जोड़ा जाए, तो इसमें 12 जोड़ा जाएगा। तो 12 का क्या कोड होता है, यहाँ 12 लिख देते हैं और 12 का कोड क्या होता है, 12 का कोड होता है KL, ठीक है। तो L हो जाएगा। फिर O में भी हमें O का 15 है तो इसमें भी 12 जोड़ना होगा तो ये भी L हो जाएगा। और L जो है ऑलरेडी 12 है तो इसमें क्या जोड़ा जाए, तो इसमें 15 जोड़ा जाएगा तो यहाँ O हो जाएगा। तो देखिए जो आंसर है वो ये आ जाएगा। तो आसान है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लेटर टू लेटर कोडिंग करने का प्रयास किया। तो आइए इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका एक प्रश्न और लगाते हैं। टाइप टू का ही एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि किसी टीम किसी कोड में लिखा गया है एन जेड वी जी, तो हमको फाइंड करना है कि कम कैसे होगा। तो देखिए, मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा कि भाई देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपनी कॉपी में इस प्रश्न को लगा सकते हैं, बाद में तो हम आप सॉल्यूशन हमारा वीडियो कंटिन्यू करके भी देख सकते हैं। तो एक आपको एक मौका मिल जाएगा कि आप साथ के साथ हमारे प्रयास भी कर सकें, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँगा टीम, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर TEAM, ठीक है, टीम। और यहाँ पर लिखूँगा N जेड वी जी। अब देखिए, टी का क्या होगा, T20 होगा, E 5 होगा,
A1 और M13। याद हो रहा होगा धीरे धीरे जो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में। शुरू में तो अजीब लगता है लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाने लगेंगे वो चीज़ें याद होने लगती हैं। उसके बाद N का 14, Z का 26, V का, V याद होगा आपको 22, और G का 7। H के पहले G है तो 7 होगा। इस तरह भी आपको जोड़ना होगा कौन किसके पहले है बाद में है, ठीक है, तभी आप एजॉइटी का भी पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आपको पहले और बाद का याद रहेगा तो। तो देखिए 20 में 14 जोड़ दें तो 27 नहीं बन रहा है, 5 और 26 जोड़ें तो भाई 20 14 34 हो गया, और 5 और ये किए तो 31 हो गया, तो ये रिलेशन भी नहीं बन रहा है। और ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है 20 14 है 5 26 है तो प्लस माइनस वाला या वैसा कोई रिलेशन तो। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देखें कि यहाँ 20 है और इसका जो एकदम लास्ट है यहाँ क्या है 7 है, तो इन दोनों का सम करें तो क्या होगा 27 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ई का अगर हम इसके साथ देखें, ई का 5 है और यहाँ पे क्या है 22 है, तो इन दोनों का क्या रिलेशन बन गया, यहाँ पे भी 27 बन गया। अब इसका इसके साथ देखते हैं 1 और 26 27, और M का देखते हैं रिलेशन हम N के साथ तो 13 और 14 27। तो देखिए कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आता है कि जो स्टार्टिंग में जो कुछ होता है उसका रिलेशन जो है वो लास्ट वाले अल्फ़ाबेट से इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ये टाइप 2 का ही प्रश्न है, यहाँ पे हम लेटर टू लेटर कोडिंग करते हैं। तो जो पहला टाइप था वो हमने डिस्कस कर लिया, ये टाइप 2 में ही दूसरे प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए जब आप लगाते हैं ना या इस तरह से कोड आप लिख लेते हैं तो आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। आप देखे रहेंगे यहाँ पे लिखा रहेगा 7 या 20, तो 20 7 27, तो ये आप कोड को फाइंड कर लेंगे। अभी टफ लग रहा है लेकिन जब आप लगाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये टफ नहीं लगेगा। तो आइए ये हमने एस्टेब्लिश कर दिया रिलेशन, आइए अब हम बात करते हैं कि कम क्या क्या होगा। COME कम, ठीक है। तो सी क्या है 3 है, ओ क्या है 15, एम 13 और ई 5, ठीक है। तो सी में 3 है तो इसमें क्या जोड़ेंगे जो 27 हो जाए, तो इसमें 24 जोड़ेंगे। 24 किसकी वैल्यू है, 24 है एक्स की वैल्यू, तो एक्स कहाँ पे लिखना है हमको लास्ट में लिखना है, यहाँ का हमको यहाँ लिखना है। ओ का क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है, तो ओ 15 है तो इसमें क्या जोड़ा जाए जो 27 हो जाए, तो इसमें 12 जोड़ा जाएगा। तो 12 का मतलब होगा के एल, के बाद एल, तो एल यहाँ पे हो जाएगा। एम क्या है 13 है, तो 13 में क्या जोड़ा जाए जो 27 होगा, तो इसमें 14 जोड़ा जाएगा। 14 का क्या होता है एन होता है, ठीक है। उसी तरह ई 5 है, 5 में अगर हम 22 जोड़ दें तो ये 27 हो जाएगा। तो 22 का क्या होता है वी होता है, वी यहाँ लिख देंगे तो एक हमारा कोड बन के आ गया VNLX, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप 1 हमने डिस्कस कर लिया, टाइप 2 डिस्कस कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए जो अब बात हम करेंगे टाइप 3 के प्रश्नों की, तो टाइप 3 के प्रश्न कैसे होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं इसको कोड लिखना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि टाइप 3 के प्रश्न किस तरह के होते हैं। तो देखिए किसी इफ टीचर इज कोडेड एज UGDGMKV देन फाइंड द कोड फॉर स्टूडेंट। टीचर का कोड हमें पता है, स्टूडेंट का कोड निकालना है, तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो इसे जो है लिख लेते हैं TEACHER टीचर, ठीक है, और इसका कोड लिख देते हैं UGDGMKV। आइए देखते हैं रिलेशन बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें जो क्या करना है कि ये लिख के और सबसे पहले इस पर नंबर डाल देना कि इसका नंबरिंग क्या है। तो टी का क्या है 20, ई का 5, ए का 1, सी का 3, एच का 8, ई का 5, आर का 18। उसी तरह यू का क्या होगा, यू का 21 होगा, और जी का 7, डी का 4, जी का 7, एम का 13, के का 11 और वी का 22।
तो हमने क्या किया, कोड सबसे पहले इस पर लिख दिया। अब देखिए कोई रिलेशन बन रहा है क्या, ये 20 है ये 21 है तो क्या हो रहा है प्लस 1, ये 5 है और ये 7 है प्लस 2, ये 1 है ये 4 है प्लस 3, बनने लगा रिलेशन। तो यही है टाइप 4 कि आप देखिए जो रिलेशन बनेगा वो ज़रूरी नहीं है कि इसमें प्लस 2 माइनस 2 हो या प्लस 2 2 के हिसाब से हो, ये एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में भी चल सकता है, हो सकता है ये इवन नंबर के, एक में प्लस 2 हो रहा है, एक में प्लस 4 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, इस तरह भी एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है, या स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है कि पहला जो डिफरेंस है वो 2 का है, दूसरा 4 का है, तीसरा इस तरह से एक रिलेशन 9, फिर इस तरह एक रिलेशन आगे बढ़ रहा है, तो मतलब हम इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस 4 3 और 7 प्लस 4, तो इस तरह का एक रिलेशन हमने एस्टेब्लिश कर लिया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इस तरह के प्रश्न देखते ही सबसे पहले इनको कोड कर देना है, नंबर को इन पर पुट कर देना है। उसके बाद नंबर पुट करने के बाद हमें यह देखना है कि जो इनके साथ क्या रिलेशन बन रहा है उसी को स्थापित कर देना है स्टूडेंट के साथ, कि स्टूडेंट के साथ इनका क्या रिलेशन बनेगा। तो एस का देखिए स्टूडेंट भी हम निकाल देते हैं, एस टी यू डी ई एन टी, एस का क्या होगा बच्चों बताइए, 19, टी 20, यू का 21, डी का 4, ई का 5, एन का होगा 14 और टी का 20, ठीक है। तो एस में अगर हम क्या करेंगे प्लस 1 तो एस टी, टी में प्लस 2 ठीक है तो वी हो जाएगा, यू में प्लस 3 तो 24 हो जाएगा, 21 प्लस 3 24 क्या होता है बताइए जल्दी, एक्स, डी है 4 है, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 की वैल्यू क्या आएगी, आई आएगी, 5 है तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो के हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका हम सॉल्यूशन निकाल देंगे, तो फाइनल आंसर निकाल के कमेंट में पोस्ट करिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप 3 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं टाइप 4 का, कि टाइप 4 क्वेश्चन किस तरह के, तो आइए देखते हैं टाइप 4 क्वेश्चन। देखिए टाइप 4 क्वेश्चन में किस तरह के प्रश्न और आ सकते हैं, यदि किसी कोड में कमल KAML को कोड किया गया है 2 1 4 1 3, तो हमें कोड पता करना है महल का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले फिर वही काम करते हैं, कमल को लिख लेते हैं KAML, फिर यहाँ लिख लेते हैं 2 1 4 1 3, ये हमने लिख दिया। अब कमल का हम संख्या लिख दें क्या, कमल सबसे पहले हमने क्या बताया कि कोई कुछ भी लिखना होगा हमें, उसके ऊपर जो भी हमारा कोड है उसके ऊपर नंबर लिख देना होगा। के का क्या होता है 11, ए का क्या है 1, एम का 13, ए का 1, एल का KL 12, ठीक है। अब 11 और 2, 1 और 1, 13 और ये, तो एक देखिए एक रिलेशन यहाँ से बन रहा है। अगर हम बात करें 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा, 1 में तो कुछ जोड़ना ही नहीं है तो यहाँ 1 ही होगा, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 और 1 दोनों सेम है ठीक है, और 1 प्लस 2 3, तो एक रिलेशन हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि जो भी नंबर ऊपर आ रहे हैं उसको जोड़ के उसी का नीचे हमें लिख लेना है। तो इसी तरह हम महल को लिखेंगे, ठीक है, महल, तो देखिए एम का क्या बताया था मैंने, एम का 13, तो 13 1 और प्लस 3 4 लिख देंगे, ए का 1 ही लिखेंगे, एच का क्या बताया था मैंने, एच का 8 बताया था तो 8 ही रहेगा, ए का 1 होगा तो 1 हो जाएगा, और एल का क्या हो जाएगा KL 12, तो यहाँ 12 हो जाएगा तो 1 प्लस 2 3, तो जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। तो टाइप 4 का ही ये क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से कि एग्ज़ाम्स में किस तरह से और आ सकता है। देखिए टाइप 4 का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम, किसी कोड में टॉम को 48 लिखा गया है, डिक को 27 लिखा गया है, तो हमें कोड से क्या पता करना है हैरी का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉम में क्या है, हम सबसे पहले नंबर पुट करेंगे, 20, ओ का क्या होता है 15,
और एम का क्या होता है 13। अब हम देखते हैं कैसे ये 48 बन सकता है। तो क्या इसको सम करने से हो जा रहा है क्या? 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 13 48। ठीक है, सम करने से काम हो गया। दूसरे में भी देख लेते हैं, डिक में 4, आई का 9, सी का 3 और के का 11। तो 11 3 14, 14 9 23, 23 और 4 27। बिल्कुल सम करने से काम हो जा रहा है। तो उसी तरह अब हम हैरी को कर देंगे। एच का क्या हो जाएगा? एच का हो जाएगा 8, ए का हो जाएगा 1, आर का हो जाएगा आपको पता ही है, आर का 18, फिर 18, फिर वाई का क्या होगा? वाई का हो जाएगा आपका 25। तो टोटल सम कर लीजिए और बताइए क्या आना चाहिए आंसर टॉम डिक हैरी का, निकाल के कमेंट करिए। वैसे आंसर 70 आना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइप 4 में ही एक प्रश्न और देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी ज़्यादा आ जाए, क्योंकि टाइप 4 से भी प्रश्न जो है आ जाते हैं, एक दो प्रश्न आ ही जाते हैं। तो टाइप इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी कोड में इफ एनी को इन एनी कोड बैट इज रिटन एज बी ए टी इज रिटन एज 40, तो देन फाइंड कोड फॉर कैट, कैट का बताइए। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप पॉज करें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, हालांकि और अगर अटेम्प्ट आपका सक्सेसफुल होता है तो ऑल द बेस्ट, और नहीं तो फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप देख भी सकते हैं। देखिए बी का क्या होगा यहाँ पे? 2 होगा, ए का 1 होगा और टी का 20 होगा। तो जोड़ने से काम हो जाएगा क्या? 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 20 नहीं हो रहा है, ये तो 23 आ रहा है। क्या मल्टीप्लिकेशन से काम हो सकता है क्या? 2 इंटू 1 2 और इंटू 20 40। तो यहाँ पे काम कैसे हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है। तो ये भी आपको एक ऑपरेशन चेक करना होगा कि एडिशन से काम नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन, बाकी भी ऑपरेशन को आप जैसे मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब कैट का निकालना है तो क्या करना होगा? सी का होता है 3, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। तो 3 इंटू 1 क्या हुआ? 3 हुआ, 3 इंटू 20 60 हो गया। तो आंसर क्या होगा? 60 होगा। चेक भी कर लीजिए आंसर। तो बेसिकली क्या था, ये हमारा एक कोडिंग डिकोडिंग को लेके एक समरी थी, और इससे क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई होगी। और मैं आपसे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को लगाइए, यदि कोई समस्या आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना वो व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे अपने प्रश्न भेज सकते हैं, मैं यहाँ से सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। और इसी के साथ जो है हम आज का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे। डाइस है, कैलेंडर है, बाकी किसी टॉपिक के साथ हम जल्द मिलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।